तो आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। बुक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, चैप्टर 2, विविधता एवं भेदभाव। हम क्या है और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी या सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उससे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उस काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरीके से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि वह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है।
अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुसार देखना चाहते हैं। रूढ़िवाद धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब पैदा होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक ही दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, वह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू, नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी
अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे कि पहले भी बात हुई। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में ऐसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धाराओं से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के धर्म अपने धर्म
का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के संपूर्ण महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है।